फ्रंटलाइन पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है दोस्तों। दिन भर दियां वड्डियां खबरां लैके हाजिर होए आ। वड्डी खबर सामने आ रही है जी प्रशांत किशोर दे वल्लों। वीडियो नूं अंत तक जरूर देखो ते वध तों वध शेयर भी करो। प्रशांत किशोर वल्लों अपनी नवीं पार्टी बनाउण दा ऐलान किया गया ते उस ते नवजोत सिंह सिद्धू दा कमेंट भी आया है। पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिद्धू ने चोण रणनीति घाड़े प्रशांत किशोर वल्लों अपनी नवीं पार्टी बनाउण दे ऐलान ते कहा है कि पहली सट अद्धी जित हुंदी है, चंगी शुरुआत हमेशा चंगा अंत हुंदा है, तुहाडे वल्लों संविधान विच अंकित अनुसार लोगों लिए यतन करना शलाघाजोग है, लोगों की ताकत लोगों तक पहुँचनी चाहिए है। तो दोस्तों वड्डी अपडेट यह पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिद्धू वल्लों आ रही है। पंचायती जमीन की नीलामी के नियम बदलन से राजा वड़िंग प्रताप बाजवा ने घेरी आम आदमी पार्टी की सरकार। कांग्रेस के सूबा प्रधान राजा वड़िंग विरोधी धिर के आगू प्रताप बाजवा ने पंजाब सरकार से सवाल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पेंडू विकास और पंचायती विभाग पंचायती जमीना की नीलामी के नियमों में सोध करके पंचायती जमीना में अनुसूचित जातियों के लोगों को एक तिहाई हिस्से का हक खोन की तैयारी है। राजा वड़िंग ने ट्वीट करते हुए कहा कि मान साहब दलित समाज के हकों का घाण किसी रूप में भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राजनीतिक लोगों को इस प्रति सदा जागरूक रहने की लोड़ है क्योंकि अफसरशाही रूलों में बदलाव करके इन्हां दे हक खोण की कोशिश कर रही है, इसकी तुरंत जवाबदेही यकीनी बनाओ। जेल दौरे दौरान आम आदमी पार्टी के MLA का वड्डा बयान। फरीदकोट की सेंट्रल जेल का आप विधायक गुरदित सिंह सेखों वालों दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने जेल में कैदियों हवालातियों आदियां समस्यावान सुनिया गई उन्होंने हल का भरोसा दिता। उन्होंने जेल सुपरडेंट जोगिंद्रपाल फरीदकोट के SDM बलजीत कौर भी हाजिर सन। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार जेल माफिया जड़ों खत्म करेगी और निजमां नूं शिक्के टांके जिते जाते स्पैशल ट्रीटमेंट को खत्म किया जाएगा। 5 किलो आटे की थैली अक्तूबर तो मिलेगी। 26,454 आसामियों भरन की मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई हेठ सोमवार हुई कैबिनेट मीटिंग ने घर घर कणक का आटा वंडन की स्कीम मंजूरी दे दी है। इस स्कीम 1.54 करोड़ लोगों राहत मिलेगी। यह स्कीम 1 अक्तूबर तो अमल में आएगी। इस नाल सरकारी खजाने 670 करोड़ रुपए का बोझ पवेगा। इस स्कीम तहत लाभपात्रियों प्रति महीना 5 किलो कणक पसा के घर घर पहुँचाई जाएगी। इस सेवा नूं सूबा भर में 3 पड़ाव लागू किया जाएगा। सूबे नूं 8 जोनों में वंडिया गया है। पहले पड़ाव में 1 जोन में यह सेवा शुरू की जाएगी, दूजे पड़ाव में 2 जोनों में, तीजे पड़ाव में बाकी 5 जोनों में यह सेवा शुरू की जाएगी। पंजाब सरकार वालों वक् वक् महकमियों में 26,454 असामियों को भरन की मंजूरी भी दे दी गई है। नवजोत सिद्धू खिलाफ एक्शन की तैयारी कांग्रेस हाईकमांड। नवजोत सिंह सिद्धू लिए लगता है कांग्रेस उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दस्या जा रहा है कि सिद्धू के खिलाफ पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी ने जो हाईकमांड को पत्र लिखा से उस सिद्धू दियां पार्टी विरोधी गतिविधियां लेकर कार्रवाई की मांग की गई थी। इसको देखते हुए सोनिया गांधी ने नवजोत सिद्धू खिलाफ एक्शन लैन का मन बना लिया है। भाजपा छेड़ेगी भगवंत मान सरकार खिलाफ अंदोलन, लोगों को की अपील। पंजाब में बिजली के मुद्दे पर भाजपा आम आदमी पार्टी की सरकार खिलाफ अंदोलन शुरू करेगी। भाजपा 5 मई को पंजाब के सारे जिला हैडक्वार्टर से रोस प्रदर्शन करेगी। ये जानकारी भाजपा के जनरल सकत्र डॉक्टर सुभाष शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि असी लोगों को अपील करांगे कि 2 महीनों 600 यूनिट तो वध खर्च होने उत्ते पूरा बिल आता है तो इसका विरोध करो। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया सी, पर सरकार की योजना है कि जेकर 2 महीनों 600 यूनिट तो वध बिजली खर्च हो जाए तो पूरा बिल वसूल किया जाएगा। असी लोगों को अपील करांगे कि बिल ना भरन, जेकर उन्होंने बिजली कनैक्शन कटता है तो भाजपा वर्कर उन्होंने कनैक्शन दोबारा जोड़ देंगे। असी बिजली विभाग को खपतकार का बिजली कनैक्शन नहीं कट्टन देवांगे। तो दोस्तों ये सन दिन भर दिया वड्डियां खबरां। हर रोज़ तुहाडे लई खबरां दा विशेष बुलेटिन लैके हाजिर होंदे रहांगे। तुसीं जुड़े रहो साडे चैनल नाल। जल्दी मिलांगे नवीं ते ताज़ा खबर दे।